राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करते हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द कैसे हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है और उसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। तो कमर दर्द मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। एक तो कैल्शियम की कमी, दूसरा चाहे हमारे शरीर में नॉर्मल वात बढ़ने की वजह से हड्डियों के बीच में इकट्ठा हो, या कई बार गिरने की वजह से एक दूसरे से जो मनके हैं वो भी दूर हो जाते हैं और हड्डियों में भी गैप आने की वजह से वहां पर हवा भर जाती है और दर्द होता है। तो मेन ये दो कारण होते हैं। तीसरा कारण तो हमारा यूट्रस का शरीर में जो गैस पैदा करता है उसका रहता ही है। किसी को मेंसिस में होता है और किसी को वो दर्द मेंसिस यदि बंद हो जाए 40-45 के बाद तो वो कमर में रह जाता है। बहुत कमर दर्द परेशान करती है। तो इसमें हम क्या खान पान कर सकते हैं, क्या परहेज करें, क्या योगा आसन करें जिससे जल्दी ठीक हो और दोबारा ना हो, किस चीज की मसाज करें, तो इस बारे में बात करते हैं। चलिए, कमर दर्द में आपको पहले योगा अभ्यास बता दूं। अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है और इतना आसान आसन है, इसमें इतना बड़ा खान पान का कोई परहेज नहीं है। आप 1 घंटे बाद शुरू कर सकते हैं, पूरे दिन भर कभी करें, जरूरी नहीं है आप सुबह सुबह करें, बैठ के करें, ये भी जरूरी नहीं है, आप लेटे लेटे ही करें, पर करें जितनी देर याद रहे, जितनी बार कर सकें। एक चमत्कार ही देखेंगे आप यदि 1.5-2 महीने लगातार करें तो। उसके बाद महसूस करेंगे सारी नस नाड़ियां शरीर की नरम होंगी, हड्डियां लचीली होंगी, दर्द रहेंगे ही नहीं। तो जरूर से जरूर करें। श्वास की वही बात, जितनी देर आपको याद रहे लंबा गहरा सांस लें। उसके बाद आपको जो कमर के योगा हैं वो बता रही हूँ। कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना होता, पीछे की ओर झुकने वाले योगा आसन करने होते हैं। अब जैसे भुजंग आसन हुआ, करना क्या है, पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों पर अपने शरीर का वजन देके उसको ऐसे पीछे ऊपर छत की ओर देखें, तो कमर पे पूरा दबाव पड़ेगा, कमर दर्द किसी भी तरह का है सही होगा। उसके बाद यदि कोई बुजुर्ग महिला है और ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर को पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर, आराम से करें, जितना सहन शक्ति हो उतना करें, 20-30-50-100 बार जितनी बार कर सके करें। उसके बाद पेट के बल लेट के पैरों को एक एक करके आपको कमर की ओर लाने हैं, आराम से लाएं, पहले एक एक पैर करके लाएं फिर दोनों इकट्ठे लाएं, तो इससे भी कमर दर्द सही होता है। उसके बाद सीधे लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ लें, पैरों को इकट्ठा करके दोनों घुटनों को एक साइड करना है और जिस साइड घुटनों को आप घुमाओ दूसरी साइड आपकी गर्दन होनी चाहिए, तो पेट ऐसे जैसे कपड़े निचोड़ते हैं वैसे होगा, तो जिससे कमर दर्द बहुत जल्दी सही होता है। आपको बात समझ आ गई होगी। पीठ के बल लेटना है, पैरों को मोड़ना है, एक साइड पैरों को घुटनों को ऐसे रखना है और दूसरी साइड आपको ऐसे गर्दन रखनी है, तो इससे क्या है, ये आप करें जितनी बार कर सकें, कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम आएगा। उसके बाद बात करते हैं खान पान की। तो कैल्शियम की तो कमी होती ही होती है, हड्डियों में यदि कोई दिक्कत है तो आपको दर्द ठीक करना है, कैल्शियम का उपचार करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, चूना खाएं, चूने वाली वीडियो देखें, शुद्ध किया हुआ चूना कनक के दाने के बराबर सुबह दही छाछ में लें, उसमें नहीं ले सकते पानी में लें, शाम को फूल मखाना भूनने नहीं है सीधे पीसने हैं, दूध में 1-2 उबाल लगा के आप खाएं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सी चीजें हैं ऐसी, जैसे छुआरा हुई और मुनक्का हुई, मुनक्का का बीज निकाल के सेवन करें, किशमिश हुई, इनमें भी पोटेशियम कैल्शियम अच्छी मात्रा में होती है, तो आप इसका सेवन करें, भिगो के करें किशमिश का तो, और मुनक्का आप उसका बीज निकाल दें, ये चीजें भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको क्या खाना है, 1 चम्मच मेथी दाना शाम को भिगो दें, सुबह पानी पिए और मेथी को चबा के खाएं। मेथी क्या करती है, शरीर में वात बढ़ी है उसको नॉर्मल करती है, शरीर के जो हमारी बोलते हैं आम भाषा में बाय बन जाती है शरीर में, उसको कम करती है, कंट्रोल करती है, ठीक करती है, कमर दर्द में बहुत फायदा करती है। उसके बाद कई बार क्या दिक्कत आती है कमर में, खून गाढ़ा होने की वजह से, कई बार गिरने की वजह से, या वैसे भी जो नस नाड़ियों में रुकावट जो खून की आती है वो यदि कमर में आ जाए तो वो सही नहीं होती, उसके लिए हम क्या करें, उसकी वजह से दर्द होता है।
तो खाने में तो आपको लहसुन को पूरा अच्छी तरह बीच में जो उसका उगने वाला हिस्सा होता है पाइप सी, उसको भी बीच में से काट के शाम को भिगो दें 2 कली, सुबह उस लहसुन को खाएं, ऊपर से वो पानी पी लें। यदि किसी को तेजाब की शिकायत है तो 1 कली भिगोएं, पहले पानी पिए, शुरू में कली ना खाएं 1-2 दिन, बाद में धीरे धीरे आप आधी कली 1 कली स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या है, खून का रेगुलेशन अच्छा होगा और जो कमर दर्द है उसमें बहुत जल्दी आराम आएगा। उसके बाद लगाने के लिए मसाज आप कैसे कर सकते हैं, मसाज अकेले लहसुन की रस की करें, आधे घंटा रहने दें, उस पर थोड़ा गर्म कपड़े से ढक के रखें, फिर उसको साफ कर लें। अदरक के रस से आप मसाज करें, गर्म कपड़े से ढक के रखें, फिर पोंछ के मसाज को आप साफ करके, तो उससे भी जो वायु भरी होती है हड्डियों के बीच में दर्द है उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसके बाद ये तो खान पान में आपको लहसुन, मेथी और जो कैल्शियम की चीजें हैं वो बताई, और मसाज के लिए, ये एक मसाज के लिए आप तेल बना सकते हैं, सरसों का तेल ले लें अच्छा, उसमें 5-6 लौंग, 5-6 कली लहसुन की कूट के, और थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी अदरक या सौंठ डाल के इसको अच्छे से धीमी आंच पर पका लें, पूरा लहसुन जल के काला होना चाहिए, फिर उस तेल को आप ठंडा होने पे शीशी पे भर लें और उस तेल की मसाज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं कमर दर्द के लिए, आप करना 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, करना सब कुछ पड़ेगा, अलोम विलोम भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं होंगी, क्योंकि जो भी माताएं हैं चाहे बुजुर्ग हैं जवान हैं, सो के तो आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और ये जो एक्सरसाइज बताई है कोई मुश्किल नहीं है, सभी कर सकते हैं। खाने की चीज बताई है वो भी सभी को हजम हो सकती है, सभी खा सकते हैं। मसाज बताई है वो भी कर सकते हैं।